और आज हम क्विडी के सुपरस्टार मलिक बिन्यामीन के साथ उनके घर मौजूद है। आज मैं उससे उनकी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछूंगी। वर्ल्ड कप 2020 के बाद जहाँ भी क्विडी का जिक्र होता है वहाँ मलिक बिन्यामीन का नाम जरूर आता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मलिक साहिब, आप कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपको आपकी शादी की मुबारकबाद देती हूँ। जी है। मलिक साहिब, आपके अंदर कबड्डी का शौक कैसे पैदा हुआ? कबड्डी का शौक बचपन में था, तो अब 8th क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कबड्डी खेलते हैं, बस शौक बचपन में ही था। आपने किस उम्र में कबड्डी खेलना शुरू की थी? मैंने 14 में। अच्छा मलिक साहिब, आपको कबड्डी के अलावा कोई और गेम भी पसंद है? जी बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। अच्छा, आप खाने में फास्ट फूड पसंद करते हैं या देसी खुराक खाते हैं? देसी खुराक। फास्ट फूड भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, तकरीबन जो ना ब्रेकफास्ट है सुबह का मॉर्निंग, वो फास्ट फूड। मलिक साहिब, आप हमारे मुल्क का फख्र हैं, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आपको कबड्डी में कौन कौन से खिलाड़ी पसंद हैं? मुझे कबड्डी एक वो जो सीनियर प्लेयर हैं, प्लेयर के साथ इंसान जो अच्छा इंसान होता है वो पसंद है, कोई भी हो। कबड्डी में है बैदुल्ला है, स्पीक चिश्ती है, ये सब पसंद है। अच्छा मलिक साहिब, जब आप इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं थे तो बहुत से लोगों ने आपको डिसहार्ट किया होगा। जी बहुत ज्यादा लोगों ने। अच्छा, जिन लोगों ने आपको डिसहार्ट किया आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज यही है कि जो अपोजिट होते हैं, डिसाइड करते हैं तकरीबन वो गेम के पीछे उनका हाथ होता है आगे लेकर जाने का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को डिसाइड नहीं करना चाहिए, तो उसको हौसला अफजाई देनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो क्रिकेटर हो या कबड्डी का प्लेयर हो। अच्छा मलिक साहब, जब आपने जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता तो आप क्या महसूस कर रहे थे? बहुत हैप्पी थे, खुश थे जब हमने वर्ल्ड कप जीता। एक तो हमारा हरीम मालिक था, इंडिया के साथ कोई भी मैच हो, क्रिकेट का हो या कोई भी हो, वो बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं, तो हर एक ख्वाहिश होती है चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान। के इंडिया वाले कहते हैं इंडिया जीते, पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तान जीते, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीता, सारे हैप्पी। अच्छा मलिक साहिब, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आखिर में एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने अपनी जिंदगी में शादी से पहले और शादी के बाद क्या फर्क महसूस किया? अभी तक तो कोई नहीं फर्क महसूस किया, नेक्स्ट टाइम हो जाए तो कोई पता नहीं, अभी तक तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा मलिक साहब, अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी दे और खुशियाँ दे, आप हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मलिक बिन्यामीन जिंदाबाद।